बाहर बात करने जा रहा था कि बाहरी क्षेत्र के बच्चे के ऊपर आ रहे हैं, तो उस घटना में मैं जिला अध्यक्ष NSI जिला अध्यक्ष बाबा दांगी जिला अध्यक्ष अपने प्रशांत सावले हम तीनों की तीनों अंदर आए। इधर में पुलिस वाले बोलते हैं कि आपकी IC का है, तो हमने बोला कि सर हम बात करने जा रहे हैं कॉलेज प्रशासन से, तो बोलते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो सर कॉलेज प्रशासन से हमें बात करनी है कि बाहरी छात्रों को यहाँ पे क्या काम। तो इतने में परमार सर आए, परमार सर ने डायरेक्ट टाटा मारा। टाटा मारने के बाद बोलते हैं कि तुम्हारी गुंडागर्दी बाहर करना, यहाँ नहीं चलेगी। मैंने सर हम तो बात करने जा रहे हैं, हमारी इसमें क्या गुंडागर्दी आप हमें बता दें। इतने में परमा दिवस का कार्यक्रम एक परिचर्चा के रूप में करने का आयोजन रखा गया था, लेकिन हमारे इस महाविद्यालय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन का ऐसा दुर्भाग्य है कि हमने 8 दिन पहले यहाँ पर अनुमति चाही गई ये कार्यक्रम विवेकानंद जयंती कार्यक्रम कराने को लेकर, लेकिन प्रशासनिक दबाव बनाने के कारण वो हमारी अनुमति कल शाम को निरस्त कर दी गई। अनुमति किसने निरस्त की? हमारे प्राचार्य महोदय द्वारा बताया गया कि पहले तो फोन लगा के आपकी अनुमति हो गई है, आप ले जाइए। फिर बाद में कहते हैं अनुमति लेने गए तो कहते हैं कि स्थानीय कार्यक्रम है, इसमें अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। और आज ये स्थिति आई है कि हमारा ऑडिटोरियम जिस हाल में होना था विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, तो वहाँ पर ताला लगा दिया गया, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ का ताला खुलवा कर प्रशासन से एक बार रिक्वेस्ट करके SDM साहब पास भी गए थे हम, तत्काल ताला खुलवाया ऑडिटोरियम का और वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की जयंती का परिचर्चा का कार्यक्रम किया। भाग्य है कि अगर ऐसा इस तरह प्रशासनिक व्यक्ति सरकार के दबाव में आकर महापुरुषों की जयंती मनाने में अगर मनाने का काम रोकने का प्रयास कर रही है, ये सोचना और निंदनीय घटना है। ये विद्यार्थी परिषद प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी और उनको चेतावनी भी देती है कि आने वाले समय में प्रत्येक महापुरुष की जयंती विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय परिषद में मनाते आ रहा है और मनाते रहेगा। इसी कार्यक्रम में हमारा आगामी कार्यक्रम भी हम एक और चेतावनी देना चाहते हैं कि इस देश भर के कार्यक्रम में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती इसी महाविद्यालय परिसर से प्रारंभ होगी, उसमें एक तिरंगा यात्रा 51 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और ऐसे देशद्रोहियों को राष्ट्र जो प्रशासनिक दबाव बनाकर सरकार ने जो रोका गया ये कदम है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा विद्यार्थी परिषद के माध्यम से। क्या नाम है?